Riya Das has joined us, Preeti Pundeen has joined us, Akansha has joined us, Rohit Surya has joined us, Gully Boy bhi humare saath hai. Oh, chapni raakh se tu. Kaise karna yaar ye? Akansha keh rahi hai, good afternoon ma'am. Good afternoon. 2 baje classes start hoegi, sabko khabar mil chuki hai. Gully Boy hai humare saath. Shweta Kaur has joined us. और बता दो यार क्या हाल चाल है, पेपर वेपर कैंसिल हो गया तुम्हारा? कैंसिल नहीं, आई मीन पोस्टपोन, सॉरी. श्वेता कह रही है बढ़िया है मैम, बढ़िया रहो यार. आप कैसे हैं? तुम लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया हुई हूँ यार. और क्या रखा है अपनी जिंदगी में? सारी जिंदगी मेरी तो यही कंफ्यूजिंग वर्ड्स में निकल जाएगी. मैम आप कब होगा, कोई आइडिया है? अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले तो नहीं होना है, मे बी सेकेंड वीक. अप्रैल सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक से पहले तो नहीं होगा. हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं बच्चे सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जब इतना ये लोग तो कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं. देखो ना, जब 31 मार्च तक सब कुछ बंद ही है और ये डिसीजन एसएससी को पहले ले लेना चाहिए था. शुरुआत करने से पहले जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं कुछ चीज आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, कि एनएम लाइफ ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है. आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, अप्लाई रेफरल कोड में जाके एनएम लाइव आपको एंटर करना है. जैसे ही आप एनएम लाइव एंटर करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है. अगर कोई कोर्स 6000 का है साल भर का एसएससी का, तो आपको 600 रुपए की छूट मिल जाएगी, 5400 में पड़ जाएगा. उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप नेहा मलिक ब्रैकेट इंग्लिश, ये टेलीग्राम ग्रुप है. ये क्या है? टेलीग्राम ग्रुप. और यहाँ पे तकरीबन 3800 बच्चे हैं, ठीक है. नेहा मलिक ब्रैकेट इंग्लिश. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तुम लोग भी क्या याद रखोगे? हल्ला बोल कह रहे गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून यार. चलिए भाई, कितने कल हो गए थे बच्चे कंफ्यूजिंग वर्ड, 8 या 9? बताओ यार जल्दी से. हल्ला बोल कह रहे मैम 7 हो गए थे. ओके 8, ओके वेरी गुड, थैंक यू. चलिए भाई देखते हैं. Alteration versus altercation. Okay, 7 हो गए थे. थैंक यू रोहित, थैंक यू हल्ला बोल, थैंक यू प्रीति. 7 पॉइंट्स हो गए थे. नाउ वी आर ऑन द 8th पॉइंट, alteration versus altercation. बस देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दू, वी वॉन्ट some altercations to the new house, before we move in. ठीक है, अभी कोई भी बच्चा जवाब नहीं देगा, रुक जाइए. A B C, no error. किसी बच्चे को लग रहा होगा कि प्रेपोजिशन लास्ट में एमएम अजीब सा लग रहा है, पर ये आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लासेस में कि लास्ट में प्रेपोजिशंस कब हो सकती हैं, ठीक है. लास्ट में प्रेपोजिशन होने में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आई नीड अ पेन टू राइट विद, ठीक है, आई नीड अ पेन टू राइट विद, ओके. तो ऐसे लास्ट में प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, उनमें कोई एरर नहीं है. अभी कोई भी बच्चा जवाब नहीं देगा. According to the witness, the altercation between, ये between की short form लिख दी, between the two men started inside a restaurant,
ए बी सी और नो एरर डी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम आज 8th पॉइंट कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारी स्पेशल क्लास का टाइटल है। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो बाद में फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है, पहले समझते हैं ऑल्टरेशन ऑल्टरकेशन। भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, वी वॉन्ट सम ऑल्टरकेशन टू द न्यू हाउस बिफोर वी मूव इन। लेट्स स्टार्ट द पोल, गेट सेट गो। चलिए भाई, use poll। Hi Dikshant, hi Ayush, okay Ayush is also here, Rizwan, okay bache use your poll, abhi answer mat dijiye, pehle poll use kijiye। Ma'am Riya ko bula lo abhi, Chirag aayega, Chirag bulayega Riya ko, Chirag ko koi bolo yaar, Chirag kahan hai aaj। पहले पायदान पे रिचा धनकर, दूसरे पायदान पे अनु, तीसरे पायदान पे आकांक्षा आर्य, वाह तीनों ही पायदान पे लड़कियां हैं आज, चलिए बढ़िया। श्वेता कौर चौथे पायदान पे भी लड़की, वाह। सुदीप, लोकेश, रोहित, प्रीति, हला बोल, आयुष, वशिष्ठ, यानी टॉप 10 में आज 5 लड़कियां हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। 50-50 है आज तो, 50-50। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून रिजवान। बच्चे कहाँ पे एरर थी, बी पार्ट में, क्यों, क्योंकि बच्चे ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्वारल, ठीक है, तो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद। हमें घर में कुछ विवाद चाहिए हमें घर में एंट्री, भाई किसी ने कोई नया घर लिया है, ठीक है, और उन्हें घर में आज शुभ मुहूर्त करना है, आज एंट्री करनी है, गृह प्रवेश है, और वो क्या कह रहे हैं कि हमें पहले घर में कुछ विवाद चाहिए तभी मजा आएगा घर में जाने में, ठीक है, विवाद से मतलब नहीं है। निष्ठा हैज जॉइंड अस, यस, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है, झगड़ा मतलब होता है, ठीक है, तो हम, अपूर्व जैन हैज जॉइंड अस, ओके, तो हमें घर में कुछ विवाद नहीं चाहिए, हमें घर में कुछ चेंजेस चाहिए, ऑल्टरेशंस, We want some alterations to the new house before we move in। ठीक है, तो अब आपने सही कर लिया होगा, तो alteration और altercation, alteration भी noun है और ये भी noun है, ये भी noun है, दोनों noun है, पर alteration का मतलब changes, slight change, ठीक है, slight change in something, किसी भी चीज में हल्का परिवर्तन, ठीक है, आप जैसे कोई मार्केट से कपड़ा लेके आए, वो आपको लूज है, टाइट है, तो आप क्या करते हो, टेलर को किस लिए देते हो, ऑल्टरेशन के लिए, ऑल्टरकेशन के लिए नहीं, ऑल्टरेशन के लिए, बदलाव के लिए, चेंज के लिए, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आना था ऑल्टरेशन। अकॉर्डिंग टू द विटनेस, the altercation between the two men started inside a restaurant, let's start the poll, good afternoon Nishtha, ma'am tailor ke sath use hota hai, ha apurv namaste bhai, aaj chirag kahan reh gaya, chirag ko bulati hu, वो ही रिया को लेके आएगा चलिए भाई लर्नर्स के साथ शेयर करते हैं, पहले पायदान पे रिचा धनकर, श्वेता कौर दूसरे पायदान पे हैं, तीसरे पायदान पे लोकेश मीना, सुदीप चौधरी, अनु, प्रीति पुंडीत, हल्ला बोल, रिया दास, आयुष वशिष्ठ, आकांक्षा, चलिए भाई ये सारे टॉप 10 के लिए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अकॉर्डिंग टू द विटनेस, विटनेस का मतलब गवाह, ठीक है, विटनेस मतलब गवाह, The altercation मतलब गवाह के अनुसार, जो गवाह था, जो विटनेस था, उसके अनुसार जो दो आदमियों के बीच में
ऑल्टरकेशन हुआ, विवाद हुआ, वो कहाँ स्टार्ट हुआ? इनसाइडर रेस्टोरेंट। अब बच्चे दो आदमियों के बीच में ऑल्टरेशन थोड़ा होगा, नहीं ना, ऑल्टरकेशन विवाद, आर्ग्यूमेंट बिटवीन, सही है मैम, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है टू के लिए क्या आता है बिटवीन, तो यहाँ पे क्या था? नो एरर, सिंपल, बहुत इजी था। चिराग को या रिया को? रिया, रिया का पता नहीं, रिया का मैसेज तो मेरे पास एक बार आया था बहुत पहले, तो चिराग, चिराग आ चिराग आ गए, चिराग का नाम लिया। ओके, समझ आ गया, वेरी गुड प्रीति, समझ आ गया। अनु निष्ठा, आर्ग्यूमेंट होता है, ऑल्टरकेशन मीन्स, यस, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, झगड़ा मोल लेना। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत कैसे करें, हल्ला बोल कह रहे रिया को लेके आओ, हल्ला बोल का मन नहीं लग रहा है। स्वागत है आपका चिराग, आयुष वशिष्ठ कह रहे हैं, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट देखिए भाई, चलिए नाइन्थ पॉइंट देखते हैं। He was a rather tall boy with a head full of बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज कर रहे हैं, आज पार्ट टू है। ही वॉज अ रेदर टॉल बॉय, ठीक है, वो काफी लंबा लड़का था, विद अ हेड फुल ऑफ कोर्स ब्लैक हेयर, ठीक है। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट अ पोल, गेट रेडी गाइस, गेट सेट गो। समय समाप्ति की घोषणा, समय समाप्त होता हुआ, देखते हैं भाई क्या लीडर बोर्ड रहा है, लीडर बोर्ड खुल जाए नमा। अरे वाह, पहले पायदान पे रिचा धनकर, दूसरे पायदान पे श्वेता कौर, तीसरे पायदान पे सुदीप चौधरी, लोकेश मीना, हला बोल, रिया दास, आयुष विशिष्ट, अपूर्व जैन, अनु, प्रीति पुंडीर। चलिए भाई देखते हैं क्या इसका सही जवाब था। नो एरर, कोई भी एरर नहीं था, अभी बताएंगे कैसे, रुक जाइए। My doctor put me on a course of antibiotics. Let's start the poll, guys. My doctor put me on a course She is busy. बड़ी बिजी है आजकल वो, बताती हूँ उसको मैं। फर्स्ट ऋचा धनकर, सेकंड श्वेता कौर, थर्ड पायदान पे हैं सुदीप चौधरी, लोकेश मीना, हल्ला बोल, रिया दास, आयुष वशिष्ठ, अपूर्व जैन, अनु, रिजवान अहमद, ये टॉप टेन में है सारे बच्चे।
बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया था, मैंने देखा था. माई डॉक्टर पुट मी ऑन अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. यहाँ पे बी पार्ट में एरर थी बच्चे. ठीक है बच्चे, कोर्स मतलब होता है रफ, ड्राई, हार्श. ठीक है, उन्होंने मुझे रफ एंटीबायोटिक्स पे रखा है, नहीं इसका ये मतलब नहीं था. हमें यहाँ पे क्या कोर्स, कौन से कोर्स की स्पेलिंग चाहिए थी, हमें रफ ड्राई हार्श से मतलब नहीं था. हमारा मतलब था यहाँ पे सी ओ यू आर एस ई, जिसका मतलब क्या होता है, इस कोर्स का मतलब क्या होता है, लाइक एक टाइम टेबल, लाइक यू कैन से अरेंजमेंट. नहीं, महीने का होना जरूरी नहीं. जैसे आप ये ऑफलाइन जैसे कहते हैं ना कि एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रूटीन. यस एग्जैक्टली, रूटीन. एक कोर्स, एक रूटीन, मतलब एक रूटीन फॉलो करना है एंटीबायोटिक्स का, और वो कितना भी दिन का हो सकता है. बस एक कोर्स, आपको एक कोर्स पालन करना है, एक रूटीन पालन करना है. वो एक महीने का, एक हफ्ते का, दो दिन का, चार दिन का, कितने भी दिन का रूटीन हो सकता है. तो यहाँ पे सी ओ यू आर एस ई, इसका मतलब होता है रूटीन. अब ये देखिए, He was a rather tall boy with a head full of coarse black hair. इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. यहाँ इसका मतलब वही था, dry. It can, the synonym can be thick as well. ठीक है, but यहाँ पे dry या फिर आपका rough, ये ज्यादा बेहतर synonyms है. इसमें कोई हैरान नहीं थी. Like नया मैम का कोर्स करियर का भी हो सकता है. हाँ, एक साल का भी हो सकता है अगर मेरा कोर्स है तो. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग. यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. चलिए भाई, एक बढ़िया सा लेते हैं. अब सारे बढ़िया चल रहे हैं हमारे. कल भी हमने 7 पॉइंट किए थे एकदम जबरदस्त. टेंथ, पहले हेडिंग बाद में लिखवाएंगे, पहले आप सीधा क्वेश्चन लेके हैं कि शी कंप्लेंट दैट हर हस्बैंड, शी कंप्लेंट दैट हर हस्बैंड हल्ला बोल उसका हस्बैंड है. ठीक है, हल्ला बोल ऐसे ऐसे में पढ़ के बड़े खुश होते हैं. हल्ला बोल का सपना है कि उनकी जल्दी से शादी हो जाए और 10-15 बच्चे घर में खेलें. शी कंप्लेन दैट हर हस्बैंड हल्ला बोल नेवर पेड हर एनी कॉम्प्लीमेंट्स. Let's start the poll भाई. चलिए पोल स्टार्ट करते हैं. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग सभी. अभी कोई यहाँ पे आंसर नहीं देगा. शी कंप्लेन दैट हर हस्बैंड हल्ला बोल नेवर पेड हर एनी कॉम्प्लीमेंट्स. ए बी सी डी. Let's start the poll guys, be ready. क्या दूसरा काम भी करना है भाई, 10-15 हल्ला बोल को कुछ ज्यादा ही भरा पूरा परिवार चाहिए. मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करो बच्चे, अपूर्व पेज को रिफ्रेश करो. पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल आ गए हैं, चौथे पायदान पे आयुष वशिष्ठ, पांचवें पायदान पे रिया दास, श्वेता कौर, सुदीप चौधरी, अनु, अपूर्व जैन, रिजवान अहमद. दीक्षांत नहीं दिख रहा है यार, दीक्षांत, रोहित, ये लीडर बोर्ड पे पीछे होते जा रहे हैं. प्रीति और ये सब, बाकी सब जल्दी जल्दी से यार आगे आगे बढ़िए. आई एम एक्साइटेड टू सी यू इन दिस लिस्ट. ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. शी कंप्लेन दैट, उसने कंप्लेन की, ठीक है, कि जो उसका हस्बैंड नलायक हल्ला बोल कभी उसको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देता. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट
यहाँ पर एल आई आना था, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, यहाँ यस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे तारीफ, ठीक है मैम, ई एल ई का वो मतलब अभी बाद में देखेंगे, यहाँ पे क्या आना था आई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिमार्क्स ऑफ एडमायरेशन, ठीक है, मतलब जो अप्रूवल की कि कोई आपको एडमायर कर रहा है, उसके रिमार्क्स दे रहा है, वाह क्या बात है आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, गोभी का फूल बन के कितने चली, ठीक है, तो लाइक ऐसे रिमार्क्स बदतमीजों वाले, ठीक है, एक बार हल्ला बोल किसी को कह रहे बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत प्यार से गुड नाइट बोल के गई, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। रितिका हैज जॉइंड अस, किन्निया तारीफ पर चाहिए तेनू, ओके मैम, रात 3 बजे तक यही वर्ड्स पढ़े हैं जो आप करवा रहे हो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन इकोनॉमिक्स वी यूज दिस ई वाला कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेल यू दैट। ऋषिकेश कह रहे हैं हे, हाय ऋषिकेश, कभी ऋषिकेश घुमाओ, एक आता है पैग लेमो 10 कदम में, ठीक है, अभी हमने क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिमार्क्स ऑफ एडमिरेशन, जिसमें आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी की प्रशंसा को देने वाले रिमार्क्स, प्रशंसा में कहे जाने वाले रिमार्क्स, कि जैसे बड़े बड़ी 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 लाइन बोलते हैं कुछ लड़के, कि क्या एक पता नहीं, एक बार एक लड़के ने क्या लिखा था कि आपके पापा आतंकवादी हैं क्या, उसने कहा क्यों, आप बड़ी बॉम्ब है, ये क्या था, आज संतरी तो मिली नहीं, इतनी एनर्जी कहां से आ गई, अच्छा डिफ्यूज कर देंगे, ये रही मेरी संतरी, चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश के लिए बुक्स 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 कह रही हूँ, बुक्स मैम, ये संतरी क्या है, दीक्षांत बेटा ये आपके मतलब की चीजें नहीं है, बत्तमीज बच्चे हैं ये, बड़े बत्तमीज है, इनकी बातें मत सुनो, चिराग एडल्ट बातें नहीं करनी, यहाँ पे बच्चे भी हैं, यहाँ पे बत्तमीज, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ेंगे ये, बेटा संतरी मीन्स संतरे का जूस, दैट्स इट, नेक्स्ट देखिए बच्चे, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, strawberries and cream complement each other perfectly. Let's start the poll, guys. Be ready. आप कहाँ रहती हो, भारत में? मैम हमारे दिल में रहती हैं, पहले कभी ना हमने कहा लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, पहले पायदान पे रिचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल आयुष वशिष्ठ, चौथे पायदान पे खेल रहे हैं, पांचवें पायदान पे हैं रिया दास, श्वेता कौर, सुदीप चौधरी, अनु रिजवान अहमद, निष्ठा एबर्ट, ये टॉप 10 के बच्चे हैं, जोरदार तालियां, ठीक है,
स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली. बच्चे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, टू कंप्लीट समथिंग, यानी कोई सोने पे सुहागा टाइप. कि स्ट्रॉबेरी तो किसी को पसंद है ही, और स्ट्रॉबेरी के साथ जो क्रीम होती है ना, वो तो यार एक दूसरे को पूरा ही कर देती है, मतलब एकदम गजब स्वाद देती है, जहर स्वाद आ गया. लाइट क्यों आ रही है? अच्छा, केजू को कॉल किया था मैंने कि लाइट क्यों नहीं आ रही है. हाँ यार, पता नहीं केजरीवाल के आने से तो कभी लाइट कभी गई नहीं, आज कैसे चली गई, और वो भी अच्छा खासा 1 घंटा लाइट गई है. 12:30 गई थी और 1:30 बजे आई है. चलिए भाई, तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज को कंप्लीट करना. तो ये जो हमारा पॉइंट था, ये था हमारा 10th पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट. बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. एक वो भी होता है जो 90 बनाते हैं, कुछ पूरा करते हैं एक दूसरे को, ठीक है. चलिए भाई आगे चलते हैं. 11th पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा. साइट साइट साइट, ओके. शी साइटेड a passage from the president's speech. एक सेकेंड. अभी कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा. देखिए, द कंपनी हैजंट डिसाइडेड एनी साइट फॉर द न्यू हॉस्पिटल. इफ योर साइट इज पुअर, you should not drive a car. क्वेश्चंस पहले ले रहे हैं, ठीक है, समझाऊंगी तो हुई, पहले आप लोग गेस कीजिए. शी साइटेड अ पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स स्पीच. ए बी सी डी, ठीक है, या फिर नो एरर डी. शी साइटेड अ पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स स्पीच. लेट्स स्टार्ट द पोल गाइस, बी रेडी. चलिए भाई, समय समाप्ति की घोषणा.
पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल आयुष वशिष्ठ, प्रिया दास, श्वेता कौर, अनु रिजवान अहमद, सुदीप चौधरी और निष्ठा एबर्ट। देखिए बच्चे, बहुत अच्छा है कि कुछ बच्चे सोच भी सकते हैं कि मैम ऐसे तो हमारा कि मैम ये तो गलती होंगे, अभी आपने मतलब ही नहीं बताए। कोई बात नहीं, हम ना कई बार क्वेश्चन से सीखने में ज्यादा मजा आता है। शी साइटेड अ पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्पीच, नो एरर। आपने कहा मैम इसका आंसर ए है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। द कंपनी हैजंट डिसाइडेड एनी साइट फॉर द न्यू हॉस्पिटल। चलिए भाई यहाँ पे भी देखते हैं ए बी सी डी। समय समाप्ति की घोषणा और लीडर बोर्ड आ रहा है। देखिए भाई, पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल आयुष वशिष्ठ, रिया दास, श्वेता कौर, अनु रिजवान अहमद, सुदीप चौधरी, निष्ठा एबट। ठीक है बच्चे, पहले वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो साइट है इसका मतलब होता है टू मेक मेंशन, ठीक है, टू मेंशन समथिंग, किसी चीज को मेंशन करना, टू मेंशन समथिंग। अब वो कहना चाह रही है कि प्रेसिडेंट ने कोई स्पीच दी, प्रेसिडेंट ने कोई भाषण दिया और उसने ना उसमें से एक पैसेज पकड़ लिया। जैसे कल हल्ला बोल ने एक पैसेज पकड़ा था क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी स्पीच दी, इसने हल्ला बोल ने और कुछ नहीं देखा उसमें कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ज्यादा बाहर ना निकलो, ज्यादा बच के रहो, ये बचाव करो। हल्ला बोल ने एक पैसेज पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाएंगे सब 22 मार्च को, ठीक है, तो थाली या ताली बजाएंगे, तो वो पकड़ लिया। तो इन्होंने क्या किया, एक ही चीज का मेंशन किया। तो मेंशन यानी साइट, सी आई टी ई डी। ये क्या चल रहा है हल्ला बोल, और ऋचा कह रही है आप तो इतने मासूम हो हल्ला बोल, ठीक है। अक्सर लोगों को ये धोखा हो जाता है। साइटेड, साइटेड का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना। तो प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया पर किसी मीडिया वाले ने, किसी रिपोर्टर ने एक ही चीज को बार बार मेंशन किया। ध्यान से देखिए केजरीवाल ने क्या कहा, केजरीवाल ने क्या कहा, इस पैसेज को ध्यान से सुनिए या ध्यान से देखिए। तो साइट मतलब मेंशन करना, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, इसकी हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ये क्या है, वर्ब है, हम इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ए पार्ट में एरर थी। The company hasn't decided any site for the new hospital. बच्चे any के बाद क्या कभी verb आ सकती है, जल्दी बताओ, any के बाद कभी verb आ सकती है, any go, any write, any speak, या फिर हम बोलते हैं any book, any pen, do you have any pen, do you have any book, yes, very good, any के बाद कोई verb नहीं आ सकती। मैं कहूंगी do you have any bottle, do you have any pen, do you have any book, do you have any chair, do you have any blah blah blah, ठीक है। तो any के बाद कभी verb नहीं आ सकती, यहाँ पे हमें noun की जरूरत है, ठीक है मैम, noun की जरूरत है, तो कौन सा noun आएगा, site। इस site का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे workers हैं site पे, ठीक है। मान लीजिए आपका पापा का बिजनेस है, आपके पापा ने आज छुट्टी कर ली, आपने कहा क्यों छुट्टी कर ली, तो पापा कहेंगे अरे यार साइट पे बहुत सारे वर्कर्स हैं वो देख लेंगे। तो साइट होता है a place where something is built, ठीक है, वो प्लेस जहां पे कोई चीज बनाई जा रही है। अ प्लेस वेयर समथिंग इज बिल्ट, जहां पे कोई चीज बनाई जा रही है उसे कहा जाता है साइट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग सही करें। इफ योर साइट इज पुअर यू शुड नॉट ड्राइव अ कार। लेट्स स्टार्ट द पोल गाइस, बी रेडी, गेट सेट गो। डू यू हैव एनी संतरी, शुभ रहो बतमीज। नाउन आता है, यस अनु सही कह रही है, एनी के बाद नाउन आता है, तो वो जो वहां पे था वो नाउन था, कौन सा, एस आई टी ई। सलमान खान भी हमसे जुड़े हुए हैं,
आटा है याद है अट्टा अट्टा आटा लिख रही है अनु। पहले पायदान पे ऋचा धनकर है, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल रिया दास, श्वेता कौर, अनु, आयुष, वशिष्ठ, रिजवान अहमद, सुदीप, निष्ठा है भट्ट, ये 10 बच्चे हैं टॉप 10 में। बच्चे देखिए, अब ये बताओ योर के बाद कोई वर्ब, योर के बाद बताइए, योर के बाद कोई वर्ब। मैंने डी लगाया होगा ना, नो एरर था ना, हाँ मैंने नो एरर इसका आंसर था। बताइए भाई, क्या योर के बाद कोई वर्ब आ सकती है, क्या योर के बाद कोई वर्ब आ सकती है, बताओ यार, योर के बाद कोई वर्ब नहीं, योर के बाद कोई वर्ब नहीं आ सकती, तो यानी हमारे इन तीनों में से जो ये वर्ब थी साइट, ये नहीं आ सकती। अब आप कहोगे मैम फिर ये लास्ट के दोनों क्या है, ये लास्ट के दोनों है नाउन, ठीक है, ये लास्ट के दोनों है नाउन, ये है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना, जो वर्ब होती है उसी की तो ईडी फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि एनी के बाद कोई नाउन आ सकता है, वर्ब नहीं आ सकती, तो हमने यहाँ पे साइट लिखा कि कंपनी ने अभी तक लोकेशन या प्लेस फाइनल नहीं किया है कि कहाँ नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लोकेशन प्लेस जहाँ पे कोई चीज बननी है वो फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आएगा तो नाउन ही, अब नाउन दो है, एस आई टी ई और एस आई जी एस टी, पर बच्चे ये इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी लोकेशन पुअर है तो तुम्हें ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा प्लेस साइट, ये नहीं, इस साइट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू सी समथिंग, एबिलिटी टू सी समथिंग। अनु लैपटॉप वो जा रहा है, बैटरी लो है, स्विच ऑन करना है, तो बच्चे यहाँ पे यानी इसमें क्या था, नो एरर, कोई भी एरर नहीं थी, ठीक है भाई, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं थी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कितने पॉइंट हो गए हमारे, आज हमने करे हैं 4 पॉइंट कर लिए हैं अब तक। आप कभी भी 4 पॉइंट ना देखो, ये देखो 2 वर्ड सिए रे, 2 वर्ड सिए रे, 4 6 7 8 9, बारवा पॉइंट देखते हैं, बारवा पॉइंट है, बेल वर्सेस बेल, बेल वर्सेस बेल, अगर जा रहा हो, बेल वर्सेस बेल, He was released on bail. He was released A, B, C or no error D. Let's start the poll, guys. Be ready. He was released on bail. Baby doll, गाने की singer को corona virus हो गया है, ये बात सच है यार, सच है यार ये बात, बेबी डॉल में सोने की, सच बताओ यार, कनिका कपूर यार, ये उसकी कजन है, पता है किसकी, वो जो है नेहा कक्कड़ की शायद कजन है, ऐसा मैंने सुना है, कनिका कपूर। कर्णिका है, कनिका है, पता नहीं। 100 लोगों की पार्टी होस्ट करेंगे तो यही होगा, नहीं ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, खैर तो यार अभी बचना चाहिए ना लोगों से। ऋचा धनकर सेकंड, लोकेश मीना थर्ड, हल्ला बोल रिया दास, श्वेता कौर, अनु, आयुष वशिष, सुदीप चौधरी, निष्ठा, दीक्षांत पूरा, ये टॉप 10 में है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, किस पार्ट, हमें तो एक ही न्यूज मिली है, क्या
यस क्या यहाँ पे पीछे सी पार्ट में एरर थी, क्या हो जाएगा बी ए आई एल, ही वॉज रिलीज ऑन बेल. देखो यार इतनी जब आप इन लोगों की जो होस्टिंग होती है, देखो एक जो बात है, अब इतना सरकार जब बार बार निर्देश दे रही है कि बचाव रखिए, ये हवा से नहीं फैल रहा, ये लोगों के संपर्क में आने से फैल रहा है. हवा में प्रदूषण नहीं है ये दिस इज नॉट स्मोक. स्मोक नहीं है ये कि हवा में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आ जाएगा. हवा में नहीं है, लोगों के संपर्क में आने से फैलता है. तो आप 100 लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं और ऊपर से जो इनका जो बॉलीवुड का कल्चर होता है वो ऐसा नमस्ते वाला तो नहीं होता, तो पूरा चिपकेंगे. ठीक है तो बच्चे फिर यानी आप लोगों के संपर्क में ना आए, ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से खतरा है. आर्यन कार्तिक का मैसेज देख लो भाई, आर्यन कार्तिक का मैसेज क्या है, थाली मत बजाओ है. कार्तिक आर्यन ने क्या मैसेज दिया है यार मुझे भी बताओ कोई. कार्तिक आर्यन वही कार्तिक आर्यन वो है ना. अच्छा यार किसी बच्चे ने भेजा भी था कुछ सुबह कार्तिक आर्यन का कुछ, मैंने देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला यार. कुछ था कार्तिक आर्यन से रिलेटेड यही ना. प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस है, और क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी की सुननी नहीं, सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देख रहे हैं, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है यही है ना. काम पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन सबमिशन रिपोर्ट तक महीने लग जो बीच पर. यार स्मार्ट है ये बंदा. चलो कोई नहीं, मैंने मना कर दिया था. हाँ यही है ना. हाँ मैंने अभी देखा यार, मेरे को लगा कि यार मैंने जैसे जैसे ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये क्या प्रॉब्लम ये है कि, तो मुझे लगा वही मीम होगा बहुत पुराना कि प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है. मैंने कहा यार ये पता नहीं क्यों बच्चा भेज रहा है, तो मैंने आगे सुना ही नहीं. सारा अली खान से चल रहा है आजकल इसका. मेरी आवाज भी सारा अली खान जैसी हो गई. एक दिन मैं फोन करके बोलूंगी हाय मैं सारा अली खान बोल रही हूँ. मैम एक ऑडियो वॉइस भी आई थी शबाना आजमी. चुप रहो बदतमीज, तो जावेद अख्तर को फोन करूँ क्या. बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे यार बेल. यार कार्तिक आर्यन मत भेजा करो यार, दुख होता है प्लीज. मैम की हंसी के पीछे जलन. बच्चे बेल, बेल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी. उसको रिलीज किया गया किसी सिक्योरिटी के बेस पे. ठीक है आपको पता है जैसे कई बार बेल मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, बेल पे रिहा कर देते हैं कि उस बंदे को कभी भी दोबारा बुला लेंगे. अभी बस बेल पे रिहा किया एक सिक्योरिटी पे कि भाई यार ये कर दे तो यहाँ पे साइन वाइन करके चला जाए, हम तुझे किसी भी टाइम बुला सकते हैं. तो बेल होता है सिक्योरिटी. ठीक है वो सिक्योरिटी अमाउंट भी हो सकता है, वो किसी प्रकार की दूसरी प्रकार की सिक्योरिटी भी हो सकता है. बेल पे रिहा कर दिया. अब दूसरे वाले बेल का मतलब क्या है, the fire destroyed, the fire destroyed 500 bales, the fire destroyed 500 bales of cotton. The fire destroyed 500 bale groups of cotton. बहुत ही ध्यान से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है. A B C D. ओ सॉरी 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 यार एक सेकेंड कैंसिल करना पड़ेगा यार, वो चला गया क्या. हाय हाय कैंसिल कैसे होएगा, कैंसिल कैसे होएगा. चलिए चलिए दोबारा दोबारा करते हैं. Let's start the poll. हो गया कैंसिल.
बताइए भाई। पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल आयुष वशिष्ठ, रिया दास, श्वेता कौर, अनु निष्ठा, सुदीप, दीक्षांत बोरा, ये टॉप 10 में है सारे बच्चे। क्या बात है, शाबाश। द फायर डिस्ट्रॉयड 500 बेल ग्रुप्स ऑफ कॉटन। अब बच्चे बेल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो बिल्कुल सही था। मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब है यहाँ पे बी ए आई एल ये नहीं आना था, यहाँ पे बी ए आई एल नहीं आना था, बी ए एल ई ही आना था। पर बेल का मतलब ही क्या होता है, बेल का मतलब ही होता है गट्ठर, ठीक है, जैसे गट्ठर ऐसे कुछ लिखते हैं, गट्ठर गट्ठर ऐसे कुछ लिखते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कैसे लिखा करते थे, ठीक है। इसका मतलब होता है बंडल, ग्रुप। अच्छा, तो वो ऑलरेडी ग्रुप है, वो ऑलरेडी क्या है, ग्रुप है। यस, हे, वेरी गुड वेरी गुड। हे या पाइल नहीं, मैं बताती हूँ, अब मुझे सुनिए एक मिनट। बेल का मतलब क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। मैम वो समथिंग क्या, किसका समथिंग, वो समथिंग बेल, बी ए एल ई, बेल मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक बड़ा अमाउंट। और वो किसी भी चीज, कोई भी चीज नहीं हो सकती, वो कुछ कुछ ही, जैसे वो समथिंग क्या होगा, वो समथिंग होगा हे, हे मतलब मैम सूखी घास, सूखी घास को बोल देते हैं हे, ठीक है। और ड्राई ड्राई जो जो भूसा वूसा रख देते हैं उसको हे बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉटन, ठीक है, या फिर वुड, या फिर पेपर, ठीक है। तो इनका जो गट्ठड़ होता है, जो इनका ग्रुप होता है, जो इनका बंडल होता है, जो इनका गठड़ी होती है, उसको बोला जाता है बेल, ठीक है। जो इनमें से किसी की भी गट्ठर होगा, इनमें से किसी का भी लार्ज अमाउंट होगा, बहुत अधिक मात्रा में, उसे बोला जाता है बेल। तो बेल का ऑलरेडी मतलब ग्रुप है, बेल का ऑलरेडी मतलब ग्रुप है, तो बेल तो सही लिखा था पर उसके साथ ग्रुप नहीं लगाना था, सुपरफ्लूस हो जाएगा, क्योंकि बेल का मतलब ही है अ ग्रुप ऑफ समथिंग सच एज हे, हे मीन सूखी घास, सच एज कॉटन, कॉटन आप जानती है, वुड, पेपर। तो इनका किसी का भी एक बड़ा ग्रुप, इनका किसी का भी एक लार्ज अमाउंट कहलाता है बी ए एल ई। तो जो आग थी, आग ने क्या नष्ट कर दिया, 500 ढेर नष्ट कर दिए, किसके, कॉटन के, 500 बंडल, 500 ग्रुप रखे हुए थे किसके, कॉटन के, तो 500 कट्टे जला दिए। तो बच्चे ऑलरेडी वो ग्रुप है, तो ग्रुप एड ना करें। बताओ भाई समझ आया, यस मैम। कितनी देर की क्लास है, 3 बजे खत्म हो जाएगी बच्चे, 2 से 3 की क्लास है, फिर 4:30 मिलेंगे हम, दूसरी क्लास 4:30 बजे है ना, समझ आ गया, ओके, दूसरी क्लास 4:30 है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पे लिख लीजिए अ ग्रुप या फिर अ लार्ज ग्रुप ऑफ समथिंग, और वो समथिंग कैन बी हे, घास, लकड़ी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बेल मैंने बताई दिया, सिक्योरिटी। चलिए भाई 12 पॉइंट्स हो गए हैं, थर्टीन देखिए। अगर मैं कहूं दे गिव देयर एसेंट टू द प्रपोजल, दे गिव देयर एसेंट टू द प्रपोजल, ए बी सी, नो एरर, D. Let's start the poll, guys. Be ready.
प्रपोजल वाला क्वेश्चन है, बदतमीज। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल रिया दास, श्वेता कौर, अन्नू, निष्ठा, सुदीप, आयुष विशिष्ट, दीक्षांत बोरा, ये सारे हैं टॉप टेन में। दे गिव देयर एसेंट टू द प्रपोजल। बच्चे इस एसेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग अपवर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ना या ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। तो ये एसेंट नहीं होगा यहाँ पे। एसेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंट वर्सेस वर्सेस एसेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर की ओर बढ़ना। पर यहां पर ये नहीं था, यहां पर इसका मतलब था कि अग्री, ASSENT का मतलब होता है किसी बात पे सहमति, अग्री करना, तो या अग्रीमेंट, अप्रूवल, अप्रूवल, ठीक है। और इसका मतलब क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। तो मैंने आपको बता दिया कि बी पार्ट में क्या आना था, ASSENT। इसका मतलब क्या होता है कि वो एग्री हो गए, उन्होंने उन्होंने अपना क्या दे दिया, उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसका हिंदी मतलब भी बता देती हूँ, सहमति। दे गेव देयर एसेंट, उन्होंने अपनी सहमति दे दी किसके लिए, प्रपोजल के लिए, कि कोई प्रपोजल बनाया था, कोई प्रोजेक्ट बनाया था और इस पर उन लोगों की सहमति मांगी थी कि बताओ यार इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, तो उन लोगों ने सहमति दे दी। ASSENT, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। लाइक प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल्स, यस डेफिनेटली, नाइस एक्सप्लेनेशन, यस। कि बहुत सारे जो बिल्स ऐसे होते हैं जहां पे बस प्रेसिडेंट के साइन मात्र भर फॉर्मेलिटी होते हैं, उसको साइन करने ही पड़ते हैं, कई सारे ऐसे बिल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो लोकसभा से पारित होके आते हैं और लोकसभा में सारे कैसे बैठे हैं, सरकार के मिनिस्टर्स बैठे हैं, मेरे साथ कौन माफ है मैम के लिए। चलिए भाई, ठीक है। अच्छा ये अगर मैं जैसे अगर मैं कहूं एज द प्लेन मेड इट्स एसेंट, वी सॉ थिक स्मोक कमिंग फ्रॉम एन इंजन। Let's start the poll, guys. As the plane made its ascent, we saw thick smoke coming from an engine. Let's start the poll. Hey, bolo, hum sab mein mahan vidyarthi hain. पोल नहीं आया, पेज रिफ्रेश करो यार, पेज रिफ्रेश करिए बेटा। पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल रिया दास, सुदीप, श्वेता कौर, अन्नु, निष्ठा, एबर्ट, आयुष वशिष्ठ, दीक्षांत बोरा। बच्चे यहाँ पे देखिए, एज द प्लेन मेड इट्स एसेंट, इसका मतलब तो क्या होता है, सहमति, सहमति कि जो प्लेन है, एरोप्लेन यानी, ठीक है, यानी हवाई जहाज, हवाई जहाज ने सहमति बनाई, नहीं मतलब जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू करी, ठीक है, एज इट इज स्टार्टेड मूविंग क्लाइम स्टार्टिंग क्लाइंबिंग अपवर्ड्स, तो यहाँ ये नहीं, ये आना था,
ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब एक तरह से चढ़ाई करना। ए पार्ट में एरर थी, ए वॉज द आंसर, ये इसका आंसर था। चलिए अभी हमारे पास टाइम है 13। समझ आया बच्चे या नहीं, बोलिए। एसेंट ए डबल एस जहां पे है, अग्रीमेंट सहमति अप्रूवल, ए एस सी ई एन टी, ये गाड़ी भी शायद कोई आती है एसेंट, कोई गाड़ी भी आती थी एसेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी हायर लेवल पे होना या फिर उड़ान भरना। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरनी शुरू करी, हमें एक थिक स्मोक दिखाई दिया एक इंजन से आता हुआ। सलमान जी को अपने कैटरीना कैफ को, सलमान जी जो आपने कैटरीना कैफ को क्या हुंडई की आती है, यस 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 यस। चलिए भाई, ये था आई थिंक हमारे 13 पॉइंट। चलिए एक और पॉइंट कर लेंगे हम, 14th। बस ये 14th देखिए, कॉलिजन वर्सेस कॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि टू ड्राइवर्स वर किल्ड इन अ कॉल्यूशन बिटवीन अ टैक्सी एंड अ कार, टू ड्राइवर्स वर किल्ड इन अ कॉल्यूशन बिटवीन, ठीक है, अ टैक्सी एंड अ कार, नो एरर। टू ड्राइवर्स वर किल्ड इन अ कॉल्यूशन बिटवीन अ टैक्सी एंड अ कार। लेट्स स्टार्ट द पोल गाइस, बी रेडी, गेट सेट, गो। पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल, रिया दास, अनु, सुदीप, श्वेता कौर, निष्ठा, आयुष, वशिष्ठ, दीक्षांत बुरा, ये बच्चे टॉप 10 में हैं। टू ड्राइवर्स वर किल्ड इन अ कॉल्यूशन बिटवीन अ टैक्सी एंड अ कार। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, सभी के लिए जोरदार तालियां, ठीक है। बच्चे कॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, ठीक है, टक्कर होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हिट ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को हिट करते हैं तो वो बोला जाता है कॉलिजन। हिट एंड रन, रन नहीं, बस हिट काफी है, ठीक है। तो कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। टू ड्राइवर्स वर किल्ड इन अ कॉलिजन, जब टक्कर हुई किस किस के बीच में, बिटवीन क्यों आएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं टैक्सी और कार, इसलिए आएगा बिटवीन। तो बी पार्ट में एरर थी, कॉलिजन होना था, ठीक है। फटाफट से ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बच्चे अगर मैं कहूं कि जैसे देवर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉलिजन विद अ टेररिस्ट नेटवर्क। देवर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉलिजन विद अ टेररिस्ट नेटवर्क, नो एरर। लेट्स स्टार्ट द पोल गाइस, गेट सेट गो, जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये आ गया है लीडर बोर्ड। पहले पायदान पे ऋचा धनकर, दूसरे पायदान पे लोकेश मीना, तीसरे पायदान पे हल्ला बोल, ये फाइनल लीडर बोर्ड है। चौथे पायदान पे रिया दास, अनु, सुदीप, निष्ठा, श्वेता कौर, आयुष वशिष्ठ और आकांक्षा, ये हमारा फाइनल लीडर बोर्ड था। बच्चे यहाँ पे कॉल्यूजन नहीं कॉल्यूजन आना था मैम। कॉल्यूजन का मतलब होता है सांठगांठ, जालसाजी। ठीक है, वो किसमें इन्वॉल्व थे? टेररिस्ट नेटवर्क के साथ जालसाजी में। ठीक है, मतलब उनका कोई सांठगांठ चल रही थी, वो कहते हैं ना षड्यंत्र, षड्यंत्र, यस। तो कॉल्यूजन का मतलब होता है षड्यंत्र, पता नहीं कैसे लिखते हैं षड्यंत्र। ठीक है, तो कॉल्यूजन मतलब सांठगांठ, उनकी सांठगांठ इलीगल मैटर्स में। ठीक है, एक टेररिस्ट नेटवर्क के साथ उनकी सांठगांठ थी, इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व थे और फिर बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो कॉल्यूजन षड्यंत्र, कॉलिजन टकराव। आई होप हमारे 14 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, 7 पिछले सेशन में हुए थे, 7 आज हो गए, और यानी अगर 14 है तो 14 × 2 = 28, और हमने एक पॉइंट में एक एक एक्स्ट्रा भी किया है, तो 30 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम कर चुके हैं, क्योंकि 14 × 2 = 28 हो गया, और एक पॉइंट में हमने 3-3 भी किए हैं, 2 पॉइंट में हमने 3-3, तो एक एक और बढ़ा दो, मैथ्स आप लोगों की मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो टोटल 30 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम कर चुके हैं, फतेह कर चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बच्चे, इन सभी को नोट कर लीजिएगा, जैसे ही आपको टाइम मिले रिवाइज करते रहिए वीडियो को। अगर आप बार बार देखना चाहते हैं बार बार भी देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 4:30 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं 4:30 बजे, आना मत भूलिएगा, नेहा मलिक के साथ अनअकैडमी प्लस पे 4:30 बजे नरेशन की मिसलेनियस सीरीज पार्ट 4 में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक भी देके जाइएगा। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको फिर से बताऊं कि NM Life मेरा रेफरल कोड है, 10% ऑफ मिलेगा आपको, आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं। ठीक है, SSC में अगर आपको कुछ भी 0 to 0 लेवल की तैयारी करनी है, आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा, तो आई कैन एश्योर यू विद फुल एश्योरेंस। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आप NM Life कोड को अप्लाई करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी अपडेट्स के लिए नेहा मलिक ब्रैकेट इंग्लिश, ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जिसमें 3800 के आसपास बच्चे हैं, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, थैंक यू, इसी के साथ भी मिलते हैं 4:30 PM। बाय 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 बाय, टेक केयर, लव यू, ओके, बाय बाय।